हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी। हमने हिंदी में 2, 3 व 4 वर्ण के शब्द रीड भी किए हैं एंड नोटबुक में राइट भी किए हैं। ओके, आज हम वर्कबुक में एक बार उनके फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नाउ लुक एट द वर्कबुक। ओके, तो लुक एट दिस पेज, पेज नंबर 4। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखो 4 वर्ण के शब्द दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो देखो, फर्स्ट देखो, ये क्या, ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? बरगद। ये बरगद का पेड़ होता है, ठीक है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ है, ब र ग द, क्या बन गया? बरगद। तो आपको इसी पे ही ऐसे राइट करना है, ब र ग द, बरगद। ओके, एक बार वापस देखो, पहले आपको पढ़ना है शब्द को, उसके बाद में राइट करना, ब, साथ में स्पीक करोगे और साथ में राइट करोगे, र ग द, बरगद। ओके, ये देखो, ये क्या है? पनघट। इसको क्या बोलते हैं? पनघट, जो कुआ होता है ना जिसमें पानी निकालते हैं, उसको बोलते हैं पनघट। देखो, प न घ ट, पनघट, प न घ ट, पनघट। वापिस डार्क करना पेंसिल को, प न घ ट, पनघट। ओके, ये देखो, ये क्या है? गार्डन। ओके, बगीचा, इसको हिंदी में हम बगीचा भी बोल सकते हैं, उपवन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? उ प व न, उपवन, ठीक है ना? उ प व न, उपवन। एक बार और देखो, उ प व न, उपवन। ओके, ये देखो, ये क्या कर रहे हैं बच्चे? एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कसरत। क्या बोलते हैं? कसरत, क स र त, कसरत। अब लिखो इसको, क स र त, कसरत। एक बार फिर से देखो, क स र त, कसरत। ओके, ये तो देखो लाइन है ना, ट्रेस इस पे लिखा हुआ था, उसके ऊपर अब हमने लिखा है, ठीक है? तो अब देखो इसमें आपको कैसे लिखना है, जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, इसी पे लाइन खींचनी है आपको, ठीक है ना? रेड वाली पे नहीं करनी है, और 3 लाइन में ही राइट करना है, इससे आउट नहीं करना है। तो एक बार फिर से देखो, ब र ग द, बरगद, प न घ ट, पनघट, उ प व न, उपवन, क स र त, कसरत। ओके, इस टाइप से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, और ये 4 वर्ण के शब्द है, ध्यान में रखना, ठीक है? अब नीचे देखो, क्या लिखा हुआ है? सही, सही, अ श र, अक्षर, ली ख क र, लिखकर, श आधा ब और द, शब्द, पूरे, पूरे, कीजिए, कीजिए, सही अक्षर लिखकर शब्द पूरे कीजिए। ये मिसिंग लेटर्स टाइप है, कि कुछ मिसिंग होगा उसमें आपको वो राइट करना है, और वो हमें शब्द का पता कैसे चलेगा? पिक्चर देख के। ये देखो पिक्चर्स दी हुई है ना, ये देख के हमें शब्द का पता चलेगा, ठीक है ना? तो देखो, ये फर्स्ट ऑफ हमें क्या दिया हुआ है? बतख। क्या दिया हुआ है? बतख, है ना? तो देखो, ब और त, ये तो राइट किया हुआ है, तो ब त ख, ख मिसिंग है ना, तो हम इसमें खैर राइट करेंगे।
ओके क्या बन गया बतख। नेक्स्ट देखो ये कौन सा फ्लावर है, कमल का फूल है ये, ठीक है ना, क म ल, तो क और ल तो इसमें राइट किया हुआ है, मैं नहीं राइट किया हुआ है तो मैं हम राइट करेंगे, ठीक है, कमल कमल। नेक्स्ट देखो ये देखो अभी ऊपर आया था ना बरगद, ब र, कैसे लिखते हैं बरगद, ब र ग द बरगद, तो ब र राइट किया हुआ है, बीच में मिसिंग है और द, तो यहाँ पे ग बनाना है हमें, क्या राइट करोगे ग, ब र ग द बरगद। ओके आगे देखो ये क्या क्या है, ये इसकी पिक्चर है, ये बस की, ब और स बस, तो ब राइट किया हुआ है और हम यहाँ पे स बस है बस, ठीक है ना। तो देखो इसमें दो ये दो वर्ण का शब्द है, ये तीन वर्ण के शब्द है और ये चार वर्ण का, ठीक है, तो वापस देखो ब त ख बतख, कमल कमल, बर ग द बरगद, बस बस। नाउ लुक एट दिस पेज, पेज नंबर 5, नेक्स्ट पेज है इसके, देखो क्या राइट किया हुआ है, सबसे पहले आपको रीड करना है इसको, अ म न अमन, घ र घर, च ल चल, क र कर, प ढ पढ़, अमन घर चल कर पढ़, अमन घर चल कर पढ़। तो हमें नीचे भी ऐसे ही सेम राइट करना है, ए मैं न अमन घ र घर च ल चल, क र कर, प ढ पढ़। एक बार वापिस देखो, ए म न अमन घ र घर च ल चल, क र कर, प ढ पढ़, अमन घर चल कर पढ़। ओके इस टाइप से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है, ये दोनों पेज आपका होमवर्क है, ओके राइट इन योर वर्कबुक। एंड जिस भी बच्चे ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदो ताकि आपका वर्क प्रॉपरली हो पाए, और जिसने बुक नहीं खरीदी है वो ये वर्क एक बार नोटबुक में भी कर सकते हैं। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।